बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित मंझोस पंचायत सागरपुर गांव में महाद्री टोले में 15 घर के बीच शुद्ध पेयजल स्वच्छ योजना के तहत 70 वर्ष पहले चापाकल लगवाया गया। चापाकल लगाया काफ़ी दिन बीत चुका, फिर भी आज तक पक्का नाली पक्का प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। समस्या तो यही है दीदी, यहाँ की मतलब नाली बहे के कोई साधने न है, और नाली न चापाकल तर कपड़ा धोवे के साधन यहाँ बा, न बर्तन धोवे के साधन, कोई चीज़ न नहाए के न फींचे के, यहाँ दुख तकलीफ बहुत हो। नाली प्लेटफॉर्म न बनने के वजह से पानी दूषित हो गई है। इस चापाकल के पानी पीने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। इसी गांव के महादीर टोले के किरण देवी के पति हमेशा बीमार रहते हैं। लेकिन पखाना करता है तो वह पर धोवाता है, वह पर खिंचाता है, लेकिन भी जाता है तो गिर जाता है, बड़ी कचरा है, वो चीज गंदगी है, पानी न नीमन दे है, बड़ी गंदा पानी, कभी कल लोहराइन लगा है तो कभी कल खारा लगा है तो कभी कल कैसन तो लगतो पनिया ठीक है ना लगे। बाल बच्चा बीमार पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, मर्दाना बीमार पड़ जाती ने, हम भी बीमार पड़ जाए, बाल बच्चा नली ने गिर जाए, बाल बच्चा बीमारी हरी बीमारी बड़ी तरह के बीमारी हो जाए। यह समस्या केवल किरण देवी की नहीं है, उनके जैसे और भी समुदाय में नाली और प्लेटफॉर्म न रहने के वजह से परेशान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के मोबाइल नंबर 94 31 81 78 पर कॉल करके दबाव बनाए, ताकि नाली और प्लेटफॉर्म के समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। मैं आशा, जिला जहानाबाद से, इंडिया अनहट के लिए।